गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज बीसीएमए की क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं जोर सिंह यादव आपको बीसीएमए की क्लास प्रारंभ करने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट से बात बता दें आपको कि स्टूडेंट हमने पिछली वाली क्लास में आपको इसके सिलेबस के बारे में गहन अध्ययन करते हुए उसके विषय के बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम बात करेंगे उसके नेक्स्ट टॉपिक पर, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उसके विषय में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्टूडेंट, एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ने से पहले हमको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि एनर्जी होती क्या है, एनर्जी की परिभाषा, एक्चुअल परिभाषा क्या होती है एनर्जी की, उसे पहचानना है हमें। तो बच्चे क्या करना है, पहले हम चलते हैं ऊर्जा की परिभाषा की तरफ। ऊर्जा क्या है, तो सिंपल सी छोटी सी डिफिनेशन है जिसे आप अपने जहन में उतार लीजिए, उसे रट लीजिए, उससे अच्छी डिफिनेशन कोई नहीं है। जैसे डिफिनेशन एक सिंपल सी बात है, ऊर्जा कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जैसे अब भाई हमारे पास एनर्जी नहीं है, क्या है? एनर्जी नहीं है, तो क्या आप अपना एक संपूर्ण कार्य को संपादित कर सकते हैं या उसे कर सकते हैं? तो नहीं। तो क्या है, हमारे कार्य करने की क्षमता, जो हमारे अंदर एनर्जी है, जो कार्य करने की पावर है, उसे ही कहा जाता है एनर्जी। फिर से डेफिनेशन देखो, कार्य करने की जो आपके अंदर काबिलियत है, कार्य करने के अंदर जो कैपेसिटी है, क्षमता जिसके द्वारा आई है, उसे ही कहा जाएगा ऊर्जा। ठीक है, क्या कहा जाएगा? ऊर्जा। फिर से देखो, रट लो इसको, ही रट लो एकदम, ठीक है, समझ लो अच्छी तरीके से। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता जहां से आई वो क्या कहलाएगी? ऊर्जा कहलाएगी। बात समझ आ रही है? तो ऊर्जा की परिभाषा आप लोग समझ गए, कार्य करने की क्षमता, जहां से आप, जिसकी वजह से आप कार्य करने की क्षमता आपके अंदर आ गए, उसे ही कहा जाता है ऊर्जा। अब देखेंगे बच्चे, ऊर्जा के बाद सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट आज हम बात कर रहे हैं क्या, सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में, ऊर्जा के स्रोत, वो कौन कौन से स्रोत हैं जिनके द्वारा हम एनर्जी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करें तो पवन ऊर्जा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं विंड एनर्जी। क्या बोलते हैं? विंड एनर्जी। हम लिखते रहे यहाँ पे विंड एनर्जी, और दूसरा है सोर्स सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, तीसरा जॉय एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, नाभिकीय एनर्जी और थर्मल एनर्जी। ये क्या है, यहाँ से क्या मिलती है हमको? ऊर्जा मिलती है। क्या मिलती है बच्चे? ऊर्जा मिलती है। कौन से मिलेगी? सौर से, आपको पता ही है सौर सूर्य से जो उत्पन्न होने वाले विकिरण है उसकी वजह से हमको एनर्जी मिलती है। एक ज्वारीय ऊर्जा होती है, ज्वारीय ऊर्जा जो समुद्र में ज्वार भाटा आती है उसकी वजह से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा भी मिलती है। और हाइड्रो एनर्जी जानते ही हैं, जल के द्वारा जो टरबाइन लगाकर ऊर्जा को प्राप्त करते हैं उसे बोला जाता है हाइड्रो एनर्जी। एक आती है नाभिकीय ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे हमारे इसरो जैसे संस्थान में क्या होते हैं, खोज किया जाता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि रिएक्शन कराया जाता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन और
चार्ज, तो क्या होता है वहां से हमको क्या मिल जाती है, एनर्जी मिल जाती है। और थर्मल एनर्जी के बारे में तो सब लोग आप परिचित हैं, उसमें ऊर्जा, थर्मल एनर्जी। आप जाएंगे क्या होगा वहां पे, आप देखेंगे बॉयलर लगे होते हैं, बॉयलर से क्या हमें मिल जाती है, ऊर्जा मिल जाती है। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले एक एक करके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आप इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे विंड एनर्जी के बारे में। पवन ऊर्जा के बारे में तो स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं पहली एनर्जी के विषय में। आप लोग जानते हैं कि हमने पहली एनर्जी के बारे में बात किया था, तो पहली एनर्जी है आपकी पवन ऊर्जा। क्या है पवन ऊर्जा? पवन ऊर्जा क्या होता है, इनका उपयोग जैसे रेगिस्तान जहाँ पे हवा के सोर्स प्राप्त होते हैं वहाँ लगाए जाते हैं। जहाँ आप मरुस्थल देखेंगे, जहाँ पे ऐसा होगा कि वहाँ पे एयर के जब आगमन है वो उनका वेग काफी अच्छा होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम लगा लेते हैं एयर विंड। वहाँ से प्राप्त करता है क्या, एयर मिलती है। एयर क्या होगा बच्चे, इस ब्लेड पे टकराएगी, क्या होगी एयर इस ब्लेड पर क्या होगी, टकराएगी। एयर टकराने के बाद क्या होगा, ब्लेड मूव कर जाएगा, फिर क्या होगा ये ब्लेड आगे आ जाएगा। तो क्या होगा, ब्लेड कैसे घूमना शुरू कर देती है, क्या कर देती है, घूमना शुरू कर देती है। तो क्या होता है, यहीं पे आपका एक डायनेमो लगा होता है, क्या होता है डायनेमो लगा होता है। जब डायनेमो रोटेट करेगा तो डायनेमो से हमको क्या मिल जाएगी, विद्युत ऊर्जा मिल जाएगी। है कि क्या मिल जाएगी उनको, विद्युत ऊर्जा। के ब्लेड लगे होते हैं, बड़े बड़े से ब्लेड लगे होते हैं, जिससे क्या होगी एयर हमारी टकराती है, क्या होती है एयर टकराती है। जब एयर टकराती है तो ब्लेड क्या होगा, आप भी देखिए कि आप वहाँ चले जाइए जहाँ पे, या समुद्र किनारे चले जाइए या आप जंगल को चले जाइए, क्या होती है कि आप पंखा लेंगे जैसे इस तरह से लगा हो, आप चलते रहेंगे तो क्या होगा, मूव करेगा, घूमता है तो क्या होगा, तो मूव करेगा। जब मूव करेगा तो हमने यहाँ पे डायनेमो सेट कर दिया है, क्या कर दिया है, डायनेमो सेट कर दिया है, उसका करेक्शन डायनेमो कर दिया है। जैसे ही ब्लेड रोटेट करेगा तो हमारा डायनेमो भी रोटेट करना शुरू कर देगा। डायनेमो को रोटेट करने के बाद क्या होगा, हमें डायनेमो से हमको मिल जाएगी विद्युत ऊर्जा, मिल जाएगी, क्या मिल जाएगी, विद्युत ऊर्जा मिल जाएगी। एक पिलर लगे होते हैं जिसके सहारे हमारे ब्लेड लगे होते हैं, इसका कनेक्शन जमीन से होता है, जमीन से बने होते हैं, ऊपर क्या लगे होते हैं, ब्लेड लगे होते हैं। जब ब्लेड रोटेट करते हैं तो वहाँ से डायनेमो रोटेट करेगा, और डायनेमो के रोटेट करने के बाद हमारा ऊर्जा प्राप्त होगी। तो हमको पता चल गया, आपको अच्छे तरीके से पता चल गया कि हमारा जो पवन ऊर्जा है वो कैसे विद्युत ऊर्जा में चेंज करती है। तो हमने बता दिया आपको कि पवन ऊर्जा से हम विद्युत ऊर्जा कैसे प्राप्त करते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही, अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में। और ऐसे क्या करें, आप फिगर बनाइए, और फिगर बनाने के पश्चात आप समझ चुके हैं तो क्या करें कि एक्सप्लेन अपने तरीके से कर लें। आप क्या बना लें, इसका नोट्स बनाते समय क्या करना है, फिगर इससे यहाँ ले लें, आप हट जा रहे हैं, आप शॉर्ट स्केल ले सकते हैं, इसका शॉर्ट स्केल लेने के पश्चात इसको आप अपनी कॉपी में बना लीजिए। कॉपी बनाने के पश्चात जब आप समझ गए हैं अपने तरीके से क्या कर दीजिए, आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए।